हैं इस वीडियो को। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.29 0.36, तो आप इसमें क्या करते हैं? आपने लिखा 0.29, इसी के नीचे आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए और जीरो लिख लीजिए। इसके आगे इसके बाद की संख्या है 3 और ये है 6, तो ये आराम से जुड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐड कर लीजिए। 9 और 6 15, 3 3 6 और पॉइंट जीरो, ये हो जाएगा 0.65। ओके, दूसरे में आ जाइए जरा, 1.54। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें न्यू क्या था, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ न्यू नहीं है, पर आप चीज़ें देखते रहते रहते देखते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ पता चलेगी। तो यहाँ पर 1.80 है, मैंने बताया था कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उन्होंने जीरो लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 3 एंड 3, तो हमने ऐड करना भी सीख लिया। अब है 0.7, मैंने बोला जीरो लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और जीरो, और यहाँ आ गया 8। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लगा दो। वैसे जीरो लगा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओ तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 7.0। ठीक है, थर्ड का आंसर ये हो गया। अब फोर्थ में चलते हैं जरा, 0.007 8.5। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं आप लोग। ठीक है, 8.5, फिर लिखेंगे 30, ओहो 30 ऐसे लिखेंगे, 30 30, देखो मैंने ही गड़बड़ कर दिया है ना, 30 ऐसे लिखना है, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए आपका, बस फर्स्ट रूल ही होना चाहिए, और 0 8। अब ठीक है, शायद उल्टा हाथ पड़ रहा है मेरा। तो अब आप देखिए जरा, इसके नीचे कोई है? इसके नीचे कोई नहीं है, यहाँ पर मैं डॉट्स अभी लगाई तो समझाने के लिए, आपको लाने जरूरत नहीं। तो 7 का 7 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 3, 38.587। ओके, थोड़ा सा ये अलग लगा होगा ना आपको, हाँ 30 है क्योंकि यहाँ पर। अब देखो, यहाँ देखो, अब ये समझ में आएगा आपको, 280.69। अब है ये 25, आपको मैंने बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 25, 2 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये है 38, 38 के बाद कुछ है पॉइंट, खुद लगा लो ना ऐसे पॉइंट, बस हो गया। तो हर चीज़ में आपको एक नई चीज़ मिलेगी हर क्वेश्चन में, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। चलो यहाँ भी मैं 0 लगा देती हूँ, ये सब 0 लगा दिए मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता पॉइंट के बाद, आप कितने भी 0 लगा सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 9 6 7 8 8 8 5 13, और ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा 3। ओके, आ गया आंसर। ठीक है, तो एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन हैं इस तरह से, तो आप उनको सॉल्व करिए। अब मैं इसमें आपको ले जाती हूँ, कुछ बताती हूँ, व्यवकलन। व्यवकलन को एनसीईआरटी में व्यवकलन लिखा है, तो व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का व्यवकलन आपको घटाना है। तो चार तरह के मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, अलग अलग तरीके की, इस ये घटाइए, ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए, इसका अंतर ज्ञात कीजिए, सबका मतलब है घटाना। तो लिख लेते हैं हम, वैसे ही पॉइंट के नीचे पॉइंट, वही रूल है, 7 5 6 6.28, 0 लिख दिया आपने इसके नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 2 गया 4, और ये हो जाएगा आपका 3.4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब इसमें आ जाइए, 21.05 15.27। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9 9 2 7, ये हो जाएगा 5। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब यह है, इसमें से ये घटाइए, तो आपने लिख दिया 18.5 में से घटाना है आपको 6.79। अब 5 के पास तो है नहीं कुछ, तो 0 लगा दो। अब ये 10 बन गया, 10 में से 9 1, 14 में से 7 7 7 में से 6 1। कुछ हुई गड़बड़? बिल्कुल हुई है गड़बड़, ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें है इतना, इसके बीच में अंतर ज्ञात करिए, यानी ये माइनस करना है, बट आपको ये एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बड़ा कौन है इसमें से, अंतर ज्ञात करना है ना आपको। तो ये 11 बड़ा है कि 9 बड़ा है, इन दोनों दशमलव की तुलना बताई थी ना मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, तो 11.6 बड़ा है, तो 11.6 को आप ऊपर लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको आपको कंपैरिजन ऑफ
डेसिमल्स बताया था, तो जाएगा आपका 9.847, ये हो जाएगा 0 and 0। ओके, यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। 10 में 7 3, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया आपका 5, 15 में से 8 7 और 10 में से 9 1। ठीक है, आप इसको रिवर्स चेक भी कर सकते हैं, 7 3 जा 10, 10 हो गया, 7 plus 3 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, 8 16। हाँ, क्या गड़बड़ हुई है भाई, क्या गड़बड़ हुई है भाई, यहाँ पर 7 होना चाहिए था, इसलिए मैंने चेक करा, देखो। हाँ, देख रहे हो, 7 3 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, ये 16 हो गया, 9 1 10 11 हो गया। ठीक है, तो ये जगह 1.753। ठीक, तो आपको ये प्लस माइनस क्लियर हुए होंगे आपको, तो जब भी आप माइनस ये करेंगे तो आप लोग इसको ऑर्डर देख लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, बिना ऑर्डर चेंज करके आपको फिर माइनस का साइन लगाना है, वो बात की बात है, बट अभी आप इतना समझिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको वीडियोस में बता देती हूँ कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताऊंगी, ठीक है, और बस हमारी सीरीज ये एंड हो जाएगी इस तरह से, और आपको डेसिमल्स पे फुल्ली कमांड हो जाएगी। ओके, तो आपको आई थिंक बाय बाय कहना चाहिए अब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।